नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दो तरीके की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टाफ नर्सेज के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वीपर की पोस्ट रहेंगी। मात्र एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी लोग यहाँ पर लिया जाएगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़। और देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये NHM भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। पूरा विज्ञापन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए, 7 अक्टूबर 2020 को ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दे दी गई। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन के तौर पर योग्यता आपसे यहाँ पर क्या क्या मांगा जाने वाला है, पर मंथ बेसिस पर सैलरी आपको यहाँ पर कितनी दी जाएगी, और अप्लाई करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सारे निर्देश मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। दिल से वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी टेबल में पहली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है, स्टाफ नर्स की यहाँ पे रहेगी। कुल मिला के यहाँ पे देखिए, सभी कैटेगरीज को 42 पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, इसके लिए BSc नर्सिंग आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखिए GNM का डिप्लोमा रखते हैं तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी चाहिए है। और देखिए, 16,500 रुपये पर मंथ बेसिस पर सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बढ़ जाते हैं अपने दूसरी पोस्ट की ओर। तो देखिए, स्वीपर की ये पोस्ट है। और देखिए, सभी कैटेगरीज को मिला के 32 पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए। 8वीं कक्षा पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। मीन्स कहने वाली बात है, 8th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास है बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ तो भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 8,800 रुपये जो है पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों, ये पूरी वैकेंसीज के बारे में जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। कुल मिला के यहाँ पे देखिए 74 पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इंटरव्यू में आप लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। 3 महीने के लिए जॉब यहाँ पे निकाली गई है। अस्थायी रूप से जो है 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होंगे। तो देखिए, आप सभी लोग को इंटरव्यू में शामिल होना है तो इसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको यहाँ पे उपस्थित हो जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 1 से लेकर 12 तक जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आप लोग यहाँ पे लेकर जाएँ। और फोटोकॉपी का सेट भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी आपके देखिए शेड्यूल यहाँ पे रहने वाला है इंटरव्यू का, उसके बारे में जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आवेदन पत्र जो है आपका प्राप्ति का प्रकार आपको बताया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू में आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाना है। और देखिए, उपस्थित होकर जो है आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। और देखिए, 10 बजे से 12 बजे के बीच जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और देखिए, 2 बजे जो है आपकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी पात्र और अपात्र कैंडिडेट्स की। और देखिए, 2 बजे से 3 बजे तक का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा करेक्शन के लिए। और देखिए, 4 बजे से जो है आपका जो है करेक्शन यहाँ पर निवारण यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए, 4:30 बजे से जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देखिए अधिक संख्या में अगर फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो देखिए आगामी तिथि में 10 बजे से जो है 12 बजे के बीच आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की डेट यहाँ पे क्या रहेगी। तो देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, नोवल कोरोना वायरस COVID-19 संक्रमण के उपचार एवं रोकथाम हेतु 2 प्रकार के अस्थायी पदों पर नियुक्ति किए जाने निर्देश के परिपालन में अनुबंधित अस्थायी आधार पर वॉक इन इंटरव्यू, या फिर देखिए कौशल परीक्षा, या फिर देखिए साक्षात्कार भर्ती किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक जो है आप सभी लोग नगर निगम ऑडिटोरियम जो है रायगढ़ में, यहाँ पर जाके आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और देखिए, जो भी आपके यहाँ पर इंटरव्यू की डेट है, जो भी आपका यहाँ पर स्थान है, आप लोग यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर यहाँ पर उपस्थित हो जाएँ। और सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो से मिली है तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें। दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।